हेलो फ्रेंड्स, मैं इतेश जांगिड आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फर्नीचर मास्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ये बर्ड स्पाइक होते हैं, जिसे हम प्लास्टिक के कांटे भी कहते हैं, जिसे हम पक्षियों के लिए बाउंड्री बोर्ड पे लगाते हैं, इसे लगाना बताऊंगा कि हम इसे किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका बॉक्स ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉक्स में से मैंने ये सारे के सारे बर्ड स्पाइक निकाल लिए हैं और इसके एक पैक के अंदर 20 पीस आते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है 12 इंच होती है 1 फिट, और जो ये एरिया कवर करता है ये 4 इंच चौड़ा एरिया कवर कर लेता है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर किसी भी प्रकार का बर्ड वगैरह नहीं बैठ सकते हैं पक्षी, और ये आगे से ज़्यादा नुकीला भी नहीं होता कि किसी पक्षी को चोट पहुँचे। तो इसे हम किस प्रकार से सेट करेंगे उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या प्रोडक्ट मंगाया है। इसे लगाने के दो तरीके हैं कि आप देख सकते हैं इसमें जो बीच बीच में होल है इनके अंदर से हम पेच टाइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या अपनाया है कि इसे मैं चिपकाऊंगा, क्योंकि हमें ग्रेनाइट के ऊपर इसे पेस्ट करना है, जो ग्रेनाइट के अंदर हम सुराग नहीं करना चाहते। इसको पेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फेविकोल जो पिडिलाइट का ब्रांड है इसकी नेल फ्री आती है, इससे इसे पेस्ट करेंगे। नेल फ्री के बारे में लगभग सभी कारपेंटर जानते हैं कि ये कितना स्ट्रोंग आइटम है। तो फ्रेंड्स, आपको इससे मैं असेंबल करके भी दिखाऊंगा कि इसे हम किस प्रकार से असेंबल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस वाले एरिया में इन कांटों को लगाना है, तो हमें दो पीस में इसे लगाना पड़ेगा क्योंकि एक पीस से कवर नहीं हो रहा। तो हम इस प्रकार से दो पीस लगाएंगे जिससे कि ये एरिया कवर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसे हम पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। नेल फ्री अल्ट्रा काफ़ी हार्ड होती है, जिसे हम साधारण गन से निकाल नहीं सकते हैं। इस वजह से हम इसे हथौड़ी से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मेन गन होती है वो मेरे पास अभी नहीं है। नेल फ्री अल्ट्रा को हमें बड़ी स्पाइक के बैक साइड में कुछ इस प्रकार से लगाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। 2-3 जगह पे आपको नेल फ्री अल्ट्रा को लगा देना है। 8-10 बड़ी स्पाइक के बैक साइड में हम नेल फ्री अल्ट्रा लगा के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि नेल फ्री अल्ट्रा इतना भी जल्दी नहीं सूखता है, तो हम इसको बड़ी आसानी के साथ में लगा पाएंगे। अगर किसी कारपेंटर भाई को नेल फ्री अल्ट्रा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि नेल फ्री अल्ट्रा से हम काफ़ी कामों को कर सकते हैं, जैसा कि हम किसी एंटिक आइटम को दीवार पर हैंग कर सकते हैं, गिलास से गिलास को चिपका सकते हैं, मार्बल से गिलास को चिपका सकते हैं। ऐसे कई काम हम नेल फ्री अल्ट्रा के साथ में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ में नेल फ्री अल्ट्रा से हो जाता है। इसी के साथ में हमने 8-10 बड़ी स्पाइक में इसके ये जॉइंट होते हैं, दो आप देख सकते हैं ये वाले, इनको हम इस प्रकार से जॉइंट कर सकते हैं, इस प्रकार से ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लगाते हुए चले जाएंगे इनको। इस प्रकार से बस इसे कनेक्ट कर देना है और इसे हल्का सा प्रेस कर देना है, कुछ देर बाद में ये इधर ही सेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं काफी आसानी के साथ में इसे हम लगा पा रहे हैं। अब इसे मैं कंप्लीट लगाकर आपको दिखाता हूँ कि लगाने के बाद में किस प्रकार से लगती है। फ्रेंड्स, हमने नेल फ्री अल्ट्रा
से इन बड़ी स्पाइकों को बड़े आसानी के साथ में लगा दिया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही नेल फ्री अल्ट्रा से इन्हें लगाने का यह भी फायदा है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की धूप, बारिश और सर्दी का असर नहीं होगा और ये तो मजबूती के फ्रेंड्स साथ आपने में देखा कि लगे बड़ी स्पाइक रहेंगे। लगाना कितना आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।